पटना से अगले कॉलर हैं, शबाना हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो शबाना जी, आपको हेलो मेरी, हाँ जी बोलिए बोलिए जी, हमें सलमान सर से बात करनी थी। जी, बताइए, मैं सुनता हूँ। शबाना जी, आज शबाना आप बंद कर दीजिए आवाज़। हाँ शबाना आदमी जी, आप बंद कर दीजिए। अस्सलाम वाले सलाम जी, बताइए। जी, मेरा मतलब कहना यह है कि मेरी शादी की 4 साल हो गई है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ बच्चा, आप बताइए। आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए शबाना जी। जी, मेरी शादी की 4 साल हो गई है, मतलब कोई बच्चे नहीं है। और ठीक है, कुछ बताया डॉक्टर ने? एक बार बच्चा ठहर भी गया था 2 साल पहले, तो मिसकैरेज हो गया। मैंने डॉक्टर ने साहबा को दिखलाया तो मालूम हुआ कि बच्चेदानी में गांठ है, इसलिए बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। और मेरी उम्र 34 साल है और थायराइड की भी आवाज शिकायत। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने, तफसील बता दी। बताई तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बार बार आवाज़ें टेलीविज़न की आ रही थी, लेकिन हम पूरी बात समझ गए और पूरी बात आपने बता दी। सिर्फ थायराइड ठीक कर लीजिए और ये आपकी बाकी परेशानियां अपने आप ठीक होंगी। और आप देखिए, लीजिए धनिया 100 ग्राम, ओ सॉरी, धनिया 300 ग्राम लिख लीजिए आप। आपको आवाज़ अगर आ रही है मेरी, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम गौन मोरिंगा, इसको पाउडर बनाए खूब अच्छा घर में ही। सब कुछ रॉ मटेरियल लेना है, पिसा पिसाया ना धनिया लेना ना गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना, ये असली होता है, लाल लाल जो आता है ये असली नहीं होता। इसको आप रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं और थायराइड की दवा भी खाते रहें। आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले 7-8 महीनों में आपकी दवा भी, आपके डॉक्टर कहेंगे अब थायराइड नहीं है तो किस लिए दवा दूं, वो रोक देंगे। और फिर इसे भी आप रोक सकते हैं और बाकी मसाइल आपके थायराइड ठीक होने से ही हल हो जाएंगे और आप बहुत जल्दी साहिब उम्मीद हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं यूपी से हमारे साथ, रंजन, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम जी, जी, बताइए आदाब। सर। थोड़ा दिक्कत है, शरीर पूरा हमारा दर्द कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे पूछना था। कितनी उम्र रखते हैं आप? सर, हमारी उम्र है करीब 35 वर्ष। अच्छा, कुछ मेहनत का काम करते हैं क्या? जी हाँ, थोड़ा ये पशु चराते, थोड़ा मेहनत खेती होती पड़ती है, थोड़ा मेहनत ज्यादा। ठीक है ठीक है, थोड़ा मेहनत कम करें इलाज के, जब तक इलाज चल रहा है। और गौंद स्याह, एक काला गौंद को कहते हैं, जो इंतहाई कड़वा होता है और बहुत ही बदसूरत होता है, लेकिन फ़ायदे में उससे खूबसूरत कोई नहीं। असली लें और रॉ मटेरियल लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, खाने के पश्चात इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अमरनाथ सिंह जी, पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ, बोलिए, सवाल करिए। 8 वर्ष का बच्चा है, वो पेशाब कर देता है या बिछावन पर ही 2 बार 3 बार रात में। ठीक, इस 8 वर्ष के बच्चे को आप समझ लीजिए का खिलाना है और 2 अखरोट अपने हाथ से तोड़ने हैं, छिला छिलाया अखरोट नहीं लाना है। 2 अखरोट अपने हाथ से तोड़ने हैं और 10 किशमिश उसको रोज़ाना रात के समय खाने को दीजिए। दूध पीना चाहे तो इसके साथ पी सकता है। अगर ये आप 5-7 महीने लगातार खिलाएं तो बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से अगली कॉलर है सीता हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। 3 साल मैंने ना फोन किया था आपको लड़के के बारे में, तो आपने मुझे वो बताया लीवर के लिए, तो अब एक उसकी दवाई साथ चलती रहे क्या, जो हम कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट। जी हेलो जी हाँ, ले सकते हैं आप साथ में कोई भी दवा ले सकते हैं, लीवर के लिए कोई भी दवा ले सकते हैं। फिर
आइंदा जो आप रिपोर्ट करेंगे ना, कराएंगे, फिर उससे आप खुद समझ जाएंगे कि आपको कितना फ़ायदा है। डॉक्टर के मशवरे से फिर वो दवा कम करते करते छूट जाएगी और फिर बाद में ये दवा भी आपकी छूट सकती है। तो उम्मीद करेंगे सीता जी आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको अच्छे से मिल गया होगा, तो समझिएगा इस बात को। और जो भी नुस्खे दर्श को आप लोगों को यहाँ पे बताए जाते हैं वो नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कितने ग्राम सेवन करना है, कैसे बनाना है, कैसे परहेज़ करने हैं, सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाती हैं, फिर आप लोग छूट जाते हैं, चूक जाते हैं। चलिए, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। इसी के साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, एमपी से शकुंतला शर्मा। हाँ जी शर्मा जी, आपका सवाल। मैडम, मैं ना बाथरूम में झुनझुनी आती है, तो बाथरूम से लेकर तो लेट्रिन के रास्ते होकर जांग तक आती है। जी, मुझे लग रहा है दो कॉल्स कनेक्ट हो गई है एक साथ। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हम उज्जैन से कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए, सवाल करिए। शकुंतला शर्मा, मेरे को झिझनी आती है बाथरूम में। अच्छा, बीवी बोल रही है जो बात कर रही है, उन्होंने मिला के दे दिया, ले बात कर जल्दी से। अच्छा ठीक है, और क्या दिक्कत है आपको? आपका बाथरूम वेस्टर्न टॉयलेट है, ऐसा वाला है क्या? हाँ, वेस्टर्न टॉयलेट है। ठीक है, एज और बता दीजिए। बहुत तकलीफ है मैडम, सारा मेरे को। मैम आप अपनी एज बता दीजिए अगर जरूरी समझे तो। आपकी एज 70। अच्छा, जीती रहिए, हमारे आशीर्वाद के लिए खूब ऊपर वाला आपकी लंबी उम्र करे। और एक देखिए नुस्खा है, एक दवा भी बता देता हूँ, आपकी इतनी उम्र है पता नहीं बना पाए नहीं बना। देखिए दवा के तौर पर टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल बगैर चर्बी के दूध के साथ लीजिए तो आपका ठीक होना मुमकिन है। और अपने क्या नाम है आदमी को भी दे सकते हैं, ये हड्डियों में और जोड़ों में नसों में ताकत डाल देता है। आपकी 70 उम्र है तो 75 साल के वो भी हो सकते हैं। और ये आप कुछ दिन खाएं, कई महीने तक, एक महीने में भी ठीक हो जाएं तो कई महीने तक खाएं, और खूब दिन आप सलामत रहें, हमारे लिए दुआ के लिए, और आप खूब खुश रहें, मेरी दुआ है आपके साथ। जी, एमपी से अगले कॉलर हैं, ईश्वरी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर वो दांतों में दिक्कत है? नहीं, दांत। अच्छा, दांत की प्रॉब्लम है। अच्छा, कहाँ पर है, कितनी दिन से है? मतलब 4 साल हो गए। ठीक है, देखिए दांत पर आप ये जो खाने का सोडा है ना, खाने वाला सोडा किचन में जो यूज़ होता है, ये लें ज़रा सा आधी चुटकी और यहाँ पर रखें, और इसमें 3-4 ड्रॉप जो तेल होता है ना हमारा, राई का तेल, सरसों का तेल जिसमें खाना बनाते हैं गांव वाले, 3-4 कतरे उस पर डाल के ऐसे मिलाते रहें, मिल जाए तो उस दांत पे लगा लिया करें। और आधा चुटकी सोडा पानी में मिलाकर, गर्म पानी में मिलाकर रोज़ाना पिया करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिए तो आपका दांत का जाना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, नाम क्या है आपका? डॉक्टर नूतन देवी। जी नूतन जी, हमारे दो सवाल हैं। मेरे पति हैं जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ठीक है, उनके कमर एक बार गिर गए थे जिसमें कमर का L4 जो है थोड़ा घसक गया है, ठीक है ना, उसमें जो बहुत ज्यादा दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है घुटने से लेकर पैर तक। और वो आपके यहाँ से गोंद स्याह मंगवाया था, वो गोंद स्याह ले रहे थे, गोंद स्याह ले रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगी, तो फिर आप ही के यहाँ से पूछने पर कहा उन्होंने कि सोडा डाल के, खाने का सोडा डाल के खाइए, तो पूरे आपका रिलीफ मिला है, एक टाइम कर दिया। और मुझे भी थायराइड है। पहले उनका बताइए, पति आपके पति को फायदा शुरू हो गया?
दर्द में तो थोड़ा आराम है लेकिन वही पूरे बदन में दाने दाने हो गया और मुझे भी हो रहा है पूरा दाना। ठीक है, ठीक है। खुजली बहुत हो रही है सर, है ना। और हमारे भी पैर हाथ में बहुत दर्द है, कमर से लेकर पैर सलवा तक में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, आपको कुछ फायदा शुरू हुआ दर्द में? जी हमें भी थोड़ा फायदा है दर्द में, हस्बैंड को भी थोड़ा फायदा है दर्द में। ठीक है ना सर। और यही घमौरी दाने जैसा है पूरे बदन में। कितने दिन हो गए आपको यूज करते हुए? कितने दिन हो गए? ये 20 दिन हो गए सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बहुत बेफिक्र रहिए। कुछ लोग नाजुक मिजाज होते हैं तो उनको थोड़ी मकदार दवा की पोटेंसी कम कर लेनी चाहिए, आपने वो कर ली। और अलसी भून कर पाउडर बना लें और एक एक चम्मच रोज़ खाया करें। और सोडा ज़रा सा ही खाना है, आधी चुटकी या एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो ये आपके जिस्म की हिफाजत करेगा और ये गौन ख़त्म होते होते आप दोनों का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखें, मेहनत ना करें इस दौरान, ख़ासतौर पर आपके पति देव। और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट होना चाहिए आपके घर में जिस पे वो अपनी ज़रूरत पूरी करें। और आप देखेंगे कि ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आप दोनों को दर्द से निजात मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अमित हमारे साथ, स्वागत है अमित आपका। नाम? जी बताइए। हमको पेट में कीड़ा हो जाता है राहुल वर्मा इंटेलिजेंस का। जी हकीम साहब से बात हो रहा है? हाँ जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। कीड़ा हो जाता है ना? जी अच्छा, हमको पेट में कीड़ा हो जाता है। जी जी जी, और बोलिए। राहुल वर्मा इंटेलिजेंस का और गैस बनता है, गैस पहले खाना आ जाता था मुंह में, और अब है कि माने कि गैस ऊपर में निकलता है हल्का कमजोरी से बुझाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आप जानते हैं अनार को हम खाते हैं उसके बीज को और छिलका फेंक देते हैं। अब की बार आप छिलका फेंकिए नहीं, बल्कि इसे सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए और 2 चुटकी अनार का छिलका का पाउडर और 2 चुटकी आप लीजिए नमक जैतून। जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता। 2 चुटकी में जितना आए ये चुटकी हम इसे कहते हैं, 2 चुटकी जैतून का नमक और 2 चुटकी अनार के छिलके का पाउडर 1 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपकी दोनों समस्याएं का हल होना मुमकिन है। जी, सहारनपुर से विकास कुमार हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी मैम बोलिए, सवाल करिए। मैम मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब 1 महीना पहले बुखार हुआ था, प्रेशर कम हो गई थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बताइए। मैम मेरी अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। हेलो। ठीक है, जी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी? मेरी कुछ दिन पहले मैम तबीयत खराब हुई थी। जी 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 बोलते रहिए। तो मैम उसमें अब फिर मुझे दवाइयां खा ली, ठीक हो गया था, फिर ऐसा ही हो रहा था क्या? क्या हुआ था, क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? प्लेटलेट कम हो गई सर थोड़ी सी। प्रेशर? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। समझ गया। अच्छा सर, मुझे 2-3 दिन से भूख भी बहुत कम लग रही है, सर रोजाना सिर में दर्द हो जाता है शाम के टाइम। हाँ तो देखिए, एक बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है, शायद मुफ्त का ही नुस्खा है ये। और जब भी ये बुखार चलते हैं जिसमें हमारे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। तो जिसको भी ऐसा हो वो फौरन जाकर पपीते का पत्ता खा ले, 3-4 इंच का पत्ता सुबह को, 3-4 इंच का शाम को। ये ज़रा सा कड़वा होता है, लेकिन मैंने देखा अपने अनुभव में कि इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, किसी पैथी में नहीं है पपीते का पत्ता।
पपीते का पत्ता तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, और बल्कि इस मौसम में पपीते का पेड़ अपने घर में लगाया करें ताकि आपके भी काम आए और किसी और के भी। ये पत्ता जो फेंक देते हैं ये बहुत कीमती है, इसे आप खा लिया करें, और उसी वक्त और उसी दिन आपकी प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है। आप हैरत करेंगे, आपके डॉक्टर भी हैरत करेंगे कि इतने तेज़ दवा और एक मामूली सा बेकार सा पपीते का पत्ता इतना काम कर सकता है।